हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले जो है HDFC का मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट कार्ड जो कि है HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, इसको अप्लाई किया था। नियर अबाउट दोस्तों इसको अप्लाई किए हुए 7 से 8 दिन हो चुके हैं। एंड फाइनली दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कार्ड को अप्लाई करने के बाद कार्ड का जो स्टेटस है मैंने चेक किया, क्योंकि 2 डेज लग जाते हैं कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए। तो एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, देन उसके बाद हमें मैसेज आता है कि आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस में डाल दिया गया है, सबमिट प्रॉपरली हो चुका है, तो अब आप जो है इसे 2 डेज़ के बाद ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने 2 डेज़ के बाद जो है उसको ट्रैक करना शुरू किया, पहले तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस में दिखा नहीं रहा था, ठीक है, कोई डिटेल नहीं आ पा रही थी। अब दोस्तों फाइनली मैंने चेक किया तो मुझे मैसेज आया कि मेरा जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड था जो कि मैंने अप्लाई किया था, उसको डिक्लाइन कर दिया गया है। अब रिजेक्ट करने का रीज़न क्या रहा होगा वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, अगर ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो वह सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैंने कार्ड को कब अप्लाई किया था, ठीक है, एंड मुझे जो है टेक्स्ट मैसेज कब रिसीव हुआ जिसके अंदर मुझे देखने को मिला कि मेरे कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उसे प्रोसेस में नहीं डाला गया दोस्तों। एंड दोस्तों मुझसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से मेरे कार्ड को जो है डिक्लाइन किया गया, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो कि है लास्ट में 0N2। ये दोस्तों एप्लीकेशन जो है मेरी सबमिट हो चुकी थी, ठीक है, एंड ये सबमिट हुई थी फ्राइडे को दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 डेज़ बाद मुझे एक मैसेज रिसीव होता है जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं यूर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन नंबर दिस हैज़ बीन प्रोसेस्ड, यानी कि जो मेरी एप्लीकेशन थी वो प्रोसेस्ड में डाल दी गई थी। एंड ये जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ था फ्राइडे को ही रिसीव हो गया था कुछ मतलब घंटे बाद, एंड यहाँ पर लिखा हुआ कि ट्रैक स्टेटस आफ्टर 2 डेज़, और एक लिंक दिया हुआ नीचे। तो दोस्तों इसको जब मैंने पहले उसी दिन क्लिक किया तो वहाँ पे कुछ भी स्टेटस नहीं आ रहा था। अब दोस्तों 2 से 3 दिन बाद मैंने दोस्तों इसको ट्रैक किया तो तब भी इसमें कुछ भी डिटेल नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद दोस्तों फाइनली फिर मैंने जो है कुछ दिन बाद दोबारा से ट्राई किया, तो वहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया तो लिंक पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट की, साथ में कैप्चा कोड डाला और इसको सबमिट पर क्लिक किया। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे ट्रैक हुआ जिसके अंदर लिखा था कि वी बिलीव दैट यू डिजर्व टू हैव टू हैसल फ्री बैंकिंग एक्सपीरियंस, जो कि मतलब कि बैंक अपने उसे लिखता है भाई, ठीक है छोड़ दो उसको। उसके बाद नीचे एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, देन नीचे लिखा हुआ है जो कि सबसे चौंकने वाली बात है कि यूअर क्रेडिट कार्ड इज़ डिलीवर्ड। एप्लीकेशन नंबर आपने देख लिया 0N2 है जो मैंने अप्लाई किया था, एंड ये वाला भी सेम वही है, एंड यहाँ पे लिखा होगा आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको डिलीवर कर दिया गया है। इवन मुझे कोई ऐसा मैसेज देखने को नहीं मिला कि मेरे को मेरा जो कार्ड है अप्रूव हो गया है, ठीक है, एंड इसको डिलीवर कर दिया गया है या डिस्पैच कर दिया गया है। एंड यहाँ पर सीधा लिखा रहा है कि यूअर कार्ड इज़ डिलीवर्ड, डिस्पैच का तो मैसेज ही नहीं है, सीधा डिलीवरी कर दिया। अब यहाँ पर एक मैंने मेल चेक किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं 19 अप्रैल की ये मेल है दोस्तों, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा हुआ कि यूअर रेफरेंस नंबर दिस 0N2 लास्ट के 3 डिजिट है जो कि आप मैच कर सकते हो। सब्जेक्ट में भी इन्होंने एप्लीकेशन नंबर को डाला हुआ है और लिखा हुआ है कि यहाँ पर थैंक यू फॉर योर शोइंग इंटरेस्ट एंड अप्लाइंग फॉर एन HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड्स, वी आर डिलाइट टू हैव रिसीव यूअर एप्लीकेशन, हाउएवर वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर करंटली अनेबल टू प्रोसीड विद यूअर एप्लीकेशन नंबर दिस। तो ये इनका कहने का मतलब है कि आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हुई है तो इसको हमने प्रोसेस में नहीं डाल पा रहे हैं, यानी कि हम प्रोसेस में नहीं डाल पा रहे हैं, अनेबल टू प्रोसेस है। तो रीज़न क्या है क्यों नहीं डाल पा रहे, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि डज नॉट मीट द इंटरनल पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बैंक। अब ये जो मैसेज है दोस्तों आपको पता है कि HDFC वालों ने जो मैसेज दिया, ये सेम मैसेज मुझे काफ़ी दिन पहले जब मैंने आपको बताया था कि मेरे को SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड मिल चुका है, इससे पहले मैंने SBI के काफ़ी बार जो है कैशबैक कार्ड को जो अप्लाई करने की कोशिश करी थी, देन मेरे को हर टाइम यही वाला जो है यहाँ पर रीज़न दिया जाता था कि आपने जो है बैंक की जो पॉलिसी है उसको आप मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही मैसेज मुझे SBI के कैशबैक कार्ड के अंदर देखने को मिलता था। इवन यहाँ पे मेरे पास HDFC के तो ऑलरेडी मैं 2 कार्ड यूज़ करके बंद कर चुका हूँ, आपको पता भी होगा इसके बारे में, मैंने काफ़ी वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, एक है यहाँ पे मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड, दूसरा है यहाँ पे टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। तो इन कार्ड को बंद हुए लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं दोस्तों। तो कस्टमर केयर से मेरी बात हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि मुझे कि आपको जो है अगर आपका कार्ड बंद हुआ है अभी करंटली तो आपको 3 से 6 महीने तक जो है कार्ड को अप्लाई नहीं करना है, आप 3 महीने के बाद कार्ड को अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने देखा दोस्तों 4th महीने बाद, यानी कि 4 महीने बाद मैंने कार्ड को अप्लाई किया था मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को, तो यहाँ पर दोस्तों कार्ड प्रॉपरली सबमिट हो गई थी, एप्लीकेशन प्रॉपर सबमिट हुई है, कोई एरर या फिर इंटरनल पॉलिसी या कोई भी एरर देखने को नहीं मिला था। बट
चार दिन बाद, पांच दिन बाद जो मैं ट्रैक कर रहा था, तो ट्रैक करते वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे मेल रिसीव हुई है कि मैं जो है इनकी पॉलिसी को मीट नहीं कर पा रहा हूँ, HDFC बैंक की पॉलिसी को मीट नहीं कर पा रहा हूँ। इवन मेरे पास HDFC का सेविंग अकाउंट भी है जो कि काफ़ी पुराना है दोस्तों, ठीक है, बट फिर भी जो है यहाँ पर जो है HDFC ने मेरे इस कार्ड को डिक्लाइन कर दिया है। और मेरा सिबिल भी दोस्तों, मतलब कि मैं आपको बताऊँ कि 750 के नियर है, ठीक है, इससे ऊपर ही होगा, इससे कम नहीं है, बट फिर भी HDFC मेरे इस कार्ड को डिक्लाइन कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअल रीज़न दे नहीं पा रहा है। तो जो इन्होंने लिखा है कि इंटरनल पॉलिसी को आप मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? एक तो यह है कि आपका सिबिल कम है, दूसरा दोस्तों कि आपके पास HDFC के ढेरों सारे क्रेडिट कार्ड हैं, यानी कि 3 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर जो है HDFC का मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, यानी कि मैं HDFC का क्लाइंट नहीं हूँ, एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं हूँ। चौथा रीज़न क्या हो सकता है कि मेरे पास जो है HDFC के जो कार्ड थे, मैंने अभी रिसेंटली उनको बंद किया है। तो ये चार रीज़न हो सकते हैं। इन चारों रीज़न में से पहला रीज़न, कार्ड को मैंने बंद ज़रूर किया है बट 4 महीने हो चुके हैं उसके बाद मैंने एप्लीकेशन को सबमिट किया था। दूसरा दोस्तों, जो इन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरे पास HDFC का कोई मतलब बैंक अकाउंट नहीं है, अकाउंट होल्डर नहीं हूँ, तो वो भी मैं दोस्तों हूँ काफ़ी टाइम से। तीसरी बात दोस्तों रही सिबिल की बात, सिविल भी मेरा दोस्तों 750 से अबाव है, ठीक है, फिर भी मैंने कार्ड को अप्लाई किया तो मेरे जो कार्ड नहीं मिला। इवन इनसे पहले मेरे को ICICI बैंक का कार्ड मिल चुका है, कोटक महिंद्रा का कार्ड मिल चुका है, एंड SBI ने भी मेरे को जो है फाइनली कैशबैक क्रेडिट कार्ड दे दिया था, उसके ऊपर भी मैंने जो है डेडिकेट वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर अगर SBI मुझे कार्ड दे रहा है, ICICI बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड दे रहा है, या फिर कोटक महिंद्रा ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया वो भी हायर लिमिट के साथ, तो उन्होंने भी तो सिबिल वगैरह चेक किया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ICICI बैंक के साथ तो मेरा कोई लिंक भी नहीं है, कोई मेरा कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है, कोई सेविंग या फिर करंट अकाउंट नहीं है, बट फिर भी ICICI बैंक ने मेरा पहला क्रेडिट कार्ड, मैंने पहली बार अप्लाई किया था तो पहला ही क्रेडिट कार्ड जो है मेरा अप्रूव हो गया था। तो यहाँ पर HDFC ने मेरे कार्ड को डिक्लाइन किया है। इवन मेरे पास मतलब कि मैक्सिमम जो है, मैं अगर वो चाहते तो मैं उनको प्रूफ भी दे सकता था, इनकम प्रूफ भी दे सकता था अगर वो मुझसे मांगते, बट यहाँ पर तो डायरेक्ट उन्होंने एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया। इवन मेरी वीडियो KYC प्रॉपर हो चुकी थी, वीडियो KYC प्रॉपर होने के बावजूद भी जो है कार्ड को डिक्लाइन किया गया, तो इसका रीज़न क्या है? तो HDFC जो है ना अपने मिलेनियम क्रेडिट कार्ड को काफ़ी कम यूज़र को प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे HDFC के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को या फिर HDFC के फ्रीडम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करता तो मे भी ये कार्ड मुझे ना अप्रूव होके मिल जाता, क्योंकि 4 से 5 महीने तो हो ही चुके थे मेरे कार्ड को बंद हुए, तो इसके बाद मैं नया कार्ड अप्लाई कर सकता, तो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर ये बार बार इंटरनल पॉलिसी का जो मुझे एरर दे रहे हैं कि इंटरनल पॉलिसी को आप मीट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि कौन सी वो इंटरनल पॉलिसी है इनकी जिसको मैं मीट नहीं कर पा रहा हूँ। सिबिल स्कोर, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है इनका, ठीक है, या फिर पहले मेरे पास कोई कार्ड नहीं था, या मैंने कार्ड को रिसेंटली बंद किया है, कौन सी इनकी ऐसी पॉलिसी जिसको मैं मीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वैसे इससे आप क्या समझ सकते हैं? अगर आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाती तब हम ये सोच रहे थे कि हमारे जो कार्ड की जो मतलब के अप्रूव होने के चांसेस वो 95% हो चुके हैं, 5% ऐसे बचते हैं जब वो वीडियो KYC के बाद हो सकता है कि आपको कॉल बैक करें, आपसे क्वेरी करें कि आपके पास इनकम प्रूफ है यहाँ पर नहीं, आप कहाँ पर काम करते हैं एक्चुअल, आपका वो प्रॉपर एड्रेस क्रॉस चेक कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं होता। बट यहाँ पर अगर इतना कुछ होने के बाद कार्ड को जो है डिक्लाइन कर दिया गया, एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर दिया गया, तो ये चीज़ मुझे HDFC की समझ में नहीं आती कि इतना होने के बावजूद जो है, इतनी डिटेल लेने के बावजूद जो है HDFC कार्ड को डिक्लाइन कर रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपके पास आपने कोई कार्ड को अप्लाई किया HDFC के एंड आपके पास जो है कोई अभी स्टेटस नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना आपके पास HDFC का मिलेनियम क्रेडिट कार्ड है या फिर नहीं है, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बाकी दोस्तों मैं HDFC की हेल्पलाइन पर कॉल करके इसके बारे में पता जरूर करूँगा कि वो कौन सी पॉलिसी है जिसको मैं मीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो शायद हो सकता है कि मुझे या फिर मुझे मेल करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि RBI का गाइडलाइन है कि आपको जो है सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है अगर कार्ड को अप्लाई किया गया है, कार्ड रिजेक्ट होता है, तो वो एक्चुअल किस रीज़न के कारण जो है कार्ड को डिक्लाइन किया गया है या फिर एप्लीकेशन को डिक्लाइन किया गया है, एक्चुअल रीज़न बताया जाए। बट यहाँ पे नॉर्मली इन्होंने लिख दिया कि एक पॉलिसी को मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो पॉलिसी में तो बहुत चीज़ें आती है दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज़ उनको क्लियर करनी चाहिए कि आप पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को मीट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अगर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।